तो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑन पॉम ब्लॉग्स। तो गाइस आज ब्लॉग का स्टार्टिंग हो रहा है यहाँ से, रंगो से स्टार्ट हो रहा है। तो अभी हम यहाँ से चलते हैं कोरोनेशन ब्रिज की तरफ। तो ये आगे जो गाड़ी दिख रहा है आपको, इसमें मेरा सिस्टर और वो भैया गाड़ी चला रहा है, और यहाँ से मैं नया ब्लॉग का शुरुआत कर रहा हूँ। तो बने रहेगा ब्लॉग में गाइस, तो स्टे ट्यून। देख सकते हैं इस साइड जो है टी गार्डन, इस साइड पे टी गार्डन है। यहाँ से थोड़ा सा आगे जहाँ पे हमें रेस की तरफ जाना पड़ेगा, देख सकते हैं। इतना आने यहाँ बहुत गर्मी है, चैनल में जो नया है सब्सक्राइब करो भाई, ऐसे ही आपको ब्लॉग लेके रहूँगा भाई। अभी हम यहाँ से निकल के रहे, देख सकते हैं कैसे कैसे जगह तो बढ़िया है भाई, यहाँ पर जगह बढ़िया है, तो क्या देख सकते हैं। निकलते हैं तो बने रहेगा मैं, क्योंकि यहाँ से ट्रैवल कर रहा हूँ अच्छी जगह से, वो नहीं सब बने रहेगा भाई। तो गाइस अभी हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, इसको बोले सैमसंग टी गार्डन। तो सैमसंग ये जो आपका लेफ्ट और राइट साइड में जो टी गार्डन दिख रहा है वो है सैमसंग का जो फेमस टी गार्डन है। यहाँ पर जो है एलिफेंट जो होता है, एलिफेंट क्रॉस भी होता है, तो संभाल के चलना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये
शाम की, जैसे कि अभी के जो मौसम है, इस मौसम में जो एलिफेंट वगैरह, जो हाथी वगैरह है, वो ये रोड होके क्रॉस होता है, तो रात में तो बहुत होता है यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर एलिफेंट का जो बोट है वो भी लगाया हुआ है यहाँ पर, जब आओगे आप तो संभाल ना गाइस। तो अभी चलते हैं हम, अभी यहाँ से माल बाज़ार का दूरी आपका जो है 25 किलोमीटर है, तो हम अभी माल बाज़ार चलते हैं, उसके बाद आपका जो है कोरोनेशन ब्रिज चलते हैं गाइस। तो स्टे ट्यून गाइस। तो गाइस अभी हम यहाँ पर जो टी गार्डन देख रहे हैं आपको, ये अभी सैमसंग का ही टी गार्डन है, पर इसका जो चाय पत्ती है ये मतलब चाइना से आया हुआ है। तो अभी देख सकते हैं आपका जो साइड में दिख रहा है वो चाइना से मंगाया हुआ है, चाइनीस गाज है। तो ये जो टी है ये नंबर वन है। तो आप यहाँ का जो डुअर्स का जो सैमसंग का टी गार्डन का जो चाय है वो वर्ल्ड फेमस है। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, रोड का रोड देखिए, रोड इतना बढ़िया रोड देख रहे हैं अभी यहाँ पर। तो चलेगा अभी रोड का सफ़र, चलते हैं गाइस। तो स्टे ट्यून बने रहेगा ब्लॉग में। तो अभी हम माल बाज़ार जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे फिर कोरोनेशन ब्रिज गाइस। तो रोड का जो व्यू है वो आप इंजॉय कीजिए। तो गाइस अभी फाइनली हम पहुंचने वाले हैं कोरोनेशन ब्रिज। तो आपको कोरोनेशन ब्रिज का जो नज़ारा है कुछ दिखाने वाला हूँ, तो बने रहेगा ब्लॉग में। कोई भी नया हो तो मेरा लाइक से सब्सक्राइब कर देना भूलना मत गाइस। तो भाई को सपोर्ट करो, ऐसे ही ब्लॉग आपके लिए बनाते रहूँगा मैं गाइस। तो अभी पहुँच चुके हैं हम कोरोनेशन ब्रिज। अभी यहाँ पर जो देख रहे हैं आपका, यहाँ से आपको आपको व्यू दिखाने वाला हूँ मैं। तो थोड़ी देर यहाँ से स्कूटी पार्क करना चाहिए, तो थोड़ा सा स्कूटी पार्क कर लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे यहाँ जो कोरोनेशन ब्रिज है वहाँ पे, जो स्कूटी को रख के बैग ले लेता हूँ। तो अभी यहाँ से चलते हैं। ये दो कुछ इस तरह से है, यहाँ पर देखो टाइगर भी है, टाइगर भी है। और यहाँ से जो थोड़ा सा आगे जा के दिखाऊँगा मैं गाइस, बने रहेगा। तो आप एक बार यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल का जो तो गाइस सेवक रोड का जो छः अभी पास में कोरोनेशन ब्रिज है वो देखना कोरोनेशन भूलना मत गाइस। ये बहुत ब्यूटीफुल एक सुंदर ब्रिज ब्रिज बना हुआ है। तो आप यहाँ पे आके जो है लोकेशन में आके फ़ोटो वगैरह भी खिंचवा सकते। फाइनली गाइस हम आ चुके हैं अभी कोरोनेशन ब्रिज, जो मेरे पीछे ही है, देख सकते हैं अभी। तो अभी आपको दिखा रहा हूँ मैं, तो देख सकते हैं इसके जो मेरा फ्रंट में जो ब्रिज है वो कोरोनेशन ब्रिज है। आप देख सकते हैं ये अभी कोरोनेशन ब्रिज में पहुंच गए, मेरा स्कूटी वहाँ पे खड़ा है। तो अभी यहाँ से चलते, अभी थोड़ी देर यहाँ पर हम रुके हुए हैं। तो देख सकते हैं गाइस अभी जो कोरोनेशन ब्रिज का जो नज़ारा है कुछ इस तरह से है गाइस। तो यहाँ से अभी निकलते गाइस। तो गाइस अभी कोरोनेशन ब्रिज के पास से चलते हैं। यहाँ से आपका जो है लेफ्ट से सिलगढ़ी जाता है और राइट से आपका दार्जिलिंग जाता है, तो हमें राइट से जाना है। तो यहाँ से चलते हैं राइट में। तो अभी गाड़ी आ रहा है, तो अभी इसको साइड देके उसके बाद हम निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस आज का ब्लॉग जो है आपको कैसा लगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करना भूलना मत गाइस। और जो भी नया है ना ब्लॉग में, तो गाइस एक बार सब्सक्राइब करना भूलना मत गाइस, सब्सक्राइब कर दो। एक सब्सक्राइब से आपका जो है, एक सब्सक्राइब कर दोगे ना गाइस, तो मुझे मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। तो गाइस देख सकते हैं अभी यहाँ से हम यहाँ से निकलते हैं फटाफट। तो दिन कुछ इस तरह सा सनी डे हो रहा है, तो ये जो है मेरा नया स्कूटी के साथ मैं जा रहा हूँ। तो अभी यहाँ से चलते हैं। तो देखो अभी पूरा भूख भी लगा है, तो जल्दी जल्दी चलते हैं, कुछ खाया नहीं सुबह से। तो मिलते हैं सीधा रेस्टोरेंट की ओर। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर जो गाड़ी का व्यू बहुत होता है। तो ये जो व्यू दिख रहा है आपको, ये डैम का व्यू है,
यहाँ पर आगे डैम है 27 मिनट डैम, और ये डैम भी फेमस है, तो आपको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग गाइस। तो बाय बाय गाइस।